यूपी की मंत्री बन गई स्कूल की टीचर। जी हाँ, यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने हरदोई स्कूल में बच्चों को पढ़ा लिया। मंत्री जी वहाँ स्कूल का निरीक्षण करने गई थी और निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने बच्चों से सवाल भी पूछे और जवाब भी दिए। साथ ही साथ उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देने के लिए भी अपील की। मामला हरदोई का है, जहां हरदोई पहुंची यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बन बैठी स्कूली बच्चों की टीचर यानी शिक्षिका। एक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से पूछे सवाल तो बच्चों ने भी दे डाले फटाफट जवाब। अचानक स्कूल में अधिकारियों और अपने मंत्री को देखकर बच्चे भी खुश हो गए और मंत्री भी खुश हुई और खुशी के साथ वो बच्चों के साथ एक अभिभावक की तरह पेश आई। बच्चे तो खुश थे ही, सूचना मिलने पर अभिभावक भी स्कूल पहुंच गए ये नज़ारा देखने। बच्चों ने मन लगाकर मंत्री के पूछे गए सवालों के जवाब दिए तो मंत्री रजनी तिवारी ने भी बच्चों से सवाल जवाब के साथ साथ उनकी कविताएं भी सुनी, उनकी बुद्धि यानी आईक्यू को भी परखने की कोशिश की और इसमें वो संतुष्ट भी हुई। साथ ही साथ अध्यापकों को बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक व जनरल नॉलेज के बारे में भी पढ़ाने को निर्देशित किया और साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण में सफाई और बेहतर वातावरण बनाने की बात भी कही। हरदोई के एक स्कूल में जब अचानक उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री पहुंची तो अध्यापकों के साथ साथ बच्चे भी हैरान हो गए। बच्चे समझ नहीं पाए कि आखिर ये हैं कौन जिनके साथ इतने लोग हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरदोई के जटपुरा के विद्यालय की, जहाँ पर अचानक सूबे की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी निरीक्षण करने पहुँच गई। दरअसल मंत्री रजनी तिवारी एक जन चौपाल में शिरकत करने पहुंची थी और चौपाल के खत्म होने के बाद विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंच गईं। विद्यालय में बच्चों के साथ मंत्री ऐसे पेश आई जैसे एक टीचर आता है। वो क्लासरूम में पहुंचकर बच्चों से उनके विषयों के बारे में जानकारी ली और मंत्री रजनी तिवारी ने जब बच्चों से सवाल पूछे तो बच्चे भी फटाफट सवालों के जवाब देने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे। मंत्री जी के द्वारा बच्चों से किताबें पढ़वाई गईं, उनसे कविताएँ भी सुनी गईं और फिर स्कूल में मंत्री के पहुंचने की खबर जैसे ही गांव वालों को मिली तो बच्चों के अभिभावक भी ये नज़ारा देखने के लिए विद्यालय पहुंचने गए। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान मंत्री रजनी तिवारी ने विद्यालय की स्वच्छता की सराहना करते हुए अध्यापकों को निर्देशित भी किया कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान भी पढ़ाया जाए बताया जाए। स्कूल में आकर के पहले तो हमने स्कूल का निरीक्षण किया, उसके बाद में बच्चों से हमने वार्ता की। बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने चीज़ों को बताया क्योंकि छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमने टीचर्स से कहा कि उनको शिक्षा पर चीज़ें और भी बताई जाएं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उनको जीके भी बताई जाए, प्रेरणादायक चीज़ें भी, कहानियाँ भी सुनाई जाएँ। तो इन चीज़ों के बारे में उनको बताया। बाकी भी छोटे बच्चे हैं, जितना आना चाहिए तो अच्छे से वहाँ पर किया जा रहा है, और भी बेहतर करने के लिए वहाँ पर उनको निर्देशित। यूपी न्यूज़ 9 के लिए हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट।